हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ही हो गया, 3 बज के तो गुड इवनिंग हो गया। और गाइस, अभी हम लोग क्या बताएं, ड्यूटी ख़त्म, सब ख़त्म, लेकिन मौसम इतना बेकार है कि लग रहा है कि सब कुछ फिर शुरू हो रहा है। चल भाई चलते हैं। गाइस देख रहे हैं ना, ठंडी गाइस, ये बाहर का नज़ारा देखिए, कुछ दिख नहीं रहा है सड़क पे, कौन कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, इतनी ठंड, बाप रे एकदम। फिर देखिए आगे क्या है, कोई मोड़ है पता ही नहीं चल रहा, बट क्या करेंगे, ठंड है तो है। आगे बिल्डिंग भी है, मकान भी है, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा, इतनी ठंड है, बाप रे बाप, भयंकर। जनवरी ख़त्म हो रही है और ठंडी ला रही है। और गाइस, अभी हम लोग क्या बताएं, ड्यूटी ख़त्म, सब ख़त्म, लेकिन मौसम इतना बेकार है कि लग रहा है कि सब कुछ फिर शुरू हो रहा है। और अभी देखिए हैप्पी भी गाड़ी में है, अभी हम अचानक कहीं जाने का प्लान कर रहे थे, फिर अचानक से फ़ोन आ गया, तो अभी ऑफिस जाना है, एक पेशेंट देखते हैं, उसके बाद कहीं जाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, बन रही है बहुत ही, आज भी सरप्राइजिंग है। और ये मौसम देखिए, मौसम देख रहे हैं, बारिश, मौसम का तकाजा है, अभी देखिए बारिश में क्या क्या होने वाला है, बूम, आइए लगे रही चले, थोड़ा मुस्करा दो चल भाई, बारिश का मज़ा लेते हैं, आ जाओ सावन में मोहब्बत बरस रहा है, वाह क्या बात। अच्छा वो गाना गा रही हो, मोहब्बत बरसा देना तुम, सावन आया है, यहाँ तो बारिश आ रही है भैया। तो भाई जाए भी, काम भी किए, काम खत्म भी हो गया, अभी सब निकल रहे हैं, उधर का लाइट ऑफ, इधर का भी लाइट ऑफ हो रहा हो, और निकलते हैं। उधर की बंद कर दी, अरे यार मुझको तुम दोनों तरफ लॉक कर दी क्या, बंद कर दी, हम उधर से बंद कर दिए तो इधर से निकले। गाइस देखिए, बारिश भी भयंकर और धूप भी, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, आज का मौसम तो बिल्कुल ही अजीब टाइप का है यार, आज भयंकर, मतलब भयंकर तूफान आने वाला है हमको जहाँ तक लग रहा है, मतलब ठंड ज़्यादा बढ़ने वाली है, तूफान आए या ना आए ठंड ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसको अभी प्लान बन गया है गाइस हम लोगों का, मोतीपुर होते हुए कुसमी जंगल जाने का, अब कुसमी जंगल जाएंगे, फिर नंदानगर, वहाँ मामा घर है, छोटा लड़का रहता है, मौसी उसी लोग रहते हैं, रिलेटिव रहते हैं, वहाँ जाना है। और आज देखिए शाम का प्रोग्राम वहाँ है, देखते हैं हम लोग क्या क्या मस्ती करते हैं वहाँ पे, आइए आपको भी दिखाते हैं कुसमी जंगल, और एक वहाँ एक छोटा सा मंदिर है वो भी दिखाते हैं आपको। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, महारानी देखी साथ धाज करके, बढ़िया से लगे, ये सही है यार, मतलब जिसको जो करना करो, मतलब सॉलिड बहाना कर लो, भाई मुझे गाड़ी चलाना आता ही नहीं, मुझे चलाना ही नहीं, मुझे ये नहीं करना वो नहीं, आराम से बैठे रहो, मोबाइल वगैरह खेलते रहो, अपना मस्ती, कोई टेंशन ही नहीं, मतलब कौन गाड़ी चलाए, कैसे ले जाए, क्या करे, सब अपना अपना जिम्मेदारी संभाले लो, टेंशन फ्री होना। अरे यार आजकल की कहने के लिए तो हर चीज़ में लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ फर्स्ट, फर्स्ट होना कहीं नहीं है, हाँ पता है हमको क्या बनाओ, ठीक है, पता चला कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं पहले ही वापस आना पड़ेगा, फिर ये बुद्धि है इन लोगों की, दिमाग लगाते हैं और आपस में डिस्कस करेंगे, अरे वो तो बेवकूफ़ है, उसको पता ही नहीं है। तो गाइस अभी हम लोग आ गए नंदा नगर, यहाँ से हमें प्रशांत को पिक करना है, प्रशांत मेरे मामा का लड़का है, और अभी उसको पिक करते हैं फिर निकलते हैं। ये क्या है जी, सीसीटीवी कैमरा, तो अभी हम लोग
गाड़ी में पैक हो गए हैं प्रशांत, वो तो है ही है। ये देखिए कोने में कौन जागते हुए। चलो भाई निकलते हैं। गाइस अभी हो गया है शाम के 5:30 और अभी हम लोग निकल रहे हैं, पता नहीं कहाँ, मुझे खुद ही नहीं मालूम है और यार किसी को नहीं मालूम है कहाँ निकल रहे हैं, क्योंकि सब सस्पेंस में है। बस निकल दिए हैं और ये एयरफोर्स का एरिया है, अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं और आगे का माहौल दिखाता हूँ कितनी ठंड और कोहरा। ये देखिए अभी 5:30 इतना कोहरा, आज तो बारिश हुआ है ना दिन में, खूब खूब बारिश हुआ भयंकर। मौसी बारिश हुआ कि नहीं आप आपके घर के पास? मौसी जी बोली कि ठंडा में आइसक्रीम खाएं। हाँ हुआ है। देखिए एयरफोर्स वाले एरिया, कश्मीर जंगल वाला एरिया है। और ये जो है देखिए ऊपर लोग कुछ वीडियो फांसी कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं, लीगल इलीगल पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं लोग, तो हम लोग नहीं समझ में आ रहा है जो भी हो। ये कश्मीर जंगल का सीन कितना अच्छा लग रहा है यार, जैसे लग रहा है मैं प्री वेडिंग शूट कर रहा हूँ। लोग तो भी आप बताए भर किनारे इतना जल्दी थोड़ी कि खुद तक पड़े कोई बात नहीं। चलो भाई निकलो सब लोग गाड़ी से बाहर, निकलिए आप लोग फटाफट। प्रशांत चलो क्या दिल से कर दीजिए आराम से, मन से हो गया, कपड़ा लगता है उसे नहाया देना कुछ नहीं होता है। अच्छा सही में मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मेरा मन अगर मान रहा है पूजा करने में कर लेती हूँ, कपड़ा रख दीजिए। मौसी बेमन से पूजा करे जाते, पूजा के फल ना मिली पूजा करे बाद मन से पूजा करे जाता हूँ, आधा मन से पूजा बिल्कुल नहीं। चप्पल यहीं रखिए आप लोग, चलो मोजा जो पहले तो फोन दिक्कत नहीं। मजा लिया जाओ तो मजा आ रहा है बुढ़िया माई मंदिर। गाइस इस जगह का नाम है बुढ़िया माई मंदिर, ये बहुत पुराना है, हम लोग तो बहुत छोटे से तब से आ रहे हैं और ये तो बहुत पुराना होगा। ये मंदिर पहले उधर था ना? उधर भी उधर पहले ये मंदिर उधर था, ये पहले नहीं वो जैसे पुराने वाला है ना शायद इधर हाँ उस साइड था, बोर्ड से उस साइड जाना होता है फिर वहाँ से पूजा कर, वहाँ कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ। ठीक है ये मेन मंदिर है, इसको हमको मालूम ना था तो छीन ली, हमको पता लगा छीन ली लाने पढ़ने के लिए नहीं। अरे ठीक है हम कहीं हम कहीं तू एक दुकान बनी ले हां हां आप कहीं लेके बंदरवा के लगे से भाग ले लिया हमको मालूम ना लोग छीन ली। शक्ल दिखाओ तुम लोग, दोनों लोग नारियल गायब हो गया। तो गाइस हुआ ऐसा कि बंदर मामा या हनुमान जी दोनों कह लीजिए दोनों नारियल उठा लेंगे और देवी जी चुपचाप रख दिए, ले जाइए हमसे लड़िए मत, हमको नोचिए मत। Two, three, come on!
गाइस पॉपलेट मछली लिया गया है और 200 रुपये किलो, वो भी जिंदा, क्योंकि जिंदा और मरा हुआ काफ़ी लफड़ा है एक्चुअली में, बर्फ़ में वो प्रिजर्व किया जाता है तो वो थोड़ा सा 20-25-50 रुपये सस्ता हो जाता है। नहीं चलो, यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं हम लोगों का। कहाँ पड़ी हो, यहाँ क्या कर रही है? अरे साला भाई देखो सब्जी बाजार। तो गाइस अभी केवल मछली और सब्जी ले लिया गया है, अभी आगे एक और चीज़ लेना है। क्या लेना है? चिकन। क्या लेना है? चिकन लेना है। चिकन उसका बनेगा चिली चिकन रोस्टेड, अरे चिली चिकन सॉरी। अब वो घर पे पता चलेगा क्या बनेगा। तो गाइस फाइनली हम लोग अपने अपने काम पे लग गए हैं। इधर हैप्पी अपना बना रही है और मैं भी लग गया हूँ काम पे। देखते हैं कौन कितना शानदार बनाता है। मैं बनाऊँगा मछली का आइटम और हैप्पी बना रही है चिकन का आइटम, और ये बैठ के केवल खाने के लिए बैठा है। You can get some. अन्नपूर्णा महाराज की जय। जय हिंद जय भारत। गाँव में एगो टिपिकल होला, मतलब जब कहीं फटकाना लेके आओ था तब लोग सुनो आए जो हम नहीं चाहते हैं। तुम्हारा फोन मेरे पास है, उसी से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। चले प्रशांत जी खुश रहे मस्त रहे। थैंक यू फॉर गिविंग दिस वेरी गुड पार्टी और मजा आ गया। भाई जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम लोग हैं नंदा नगर क्रॉसिंग पे। अभी ट्रेन निकल गई और अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से। नंदा नगर से निकल चुके हैं और आधे घंटे बाद हम लोग पहुँच जाएंगे घर। तो आज के लिए ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल आपको फिर एक नए ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है, हमारे लाइफस्टाइल अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए और दूसरों तक पहुंचाइए। आप भी कुछ सीखिए, हमें भी कुछ सिखाइए। कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, जो भी बताना चाहते हैं आप हमें कमेंट करिए और हमें हम उस पर अमल करेंगे, उसको हम अपने नए ब्लॉग में ऐड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।